नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के फल, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, औषधियां पाई जाती हैं। दोस्तों, कोई ऐसा पेड़ या पौधा नहीं है जिसका औषधि के रूप में हमारे जीवन में लाभ ना हो। दोस्तों, हर पेड़ पौधे का हमारे जीवन से लगाव है और हमारे जीवन के लिए उनका महत्व है। दोस्तों, जानकारी के अभाव में हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं और लाभ नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी है तो आप इन पत्तियों, इन पेड़ पौधों, इन वनस्पतियों और इन जड़ी बूटियों का लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आयुर्वेदाचार्य बहुत पौराणिक समय में इन पत्तियों, फूल, फल तथा वनस्पतियों और औषधियों के द्वारा असाध्य रोगों का इलाज किया करते थे। लेकिन दोस्तों, आज के विज्ञान के युग में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि इन जड़ी बूटियों को त्यागते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर हम ठीक ढंग से जड़ी बूटियों की पहचान करें और उनका उपयोग करें तो हम अनेक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो ये पेड़, जो ये पौधा आप देख रहे हैं, इसका नाम है अमरूद। आपने शायद इस पेड़ को देखा भी होगा और इसके फल को चाव से खाया भी होगा। दोस्तों, अमरूद का फल बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि ये अमरूद की जो कोमल कोमल पत्तियाँ आप देख रहे हैं, इनमें कितने सारे औषधीय तत्व भरे हुए होते हैं और अनेक प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों, अमरूद की पत्तियों के द्वारा आप किन किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, इसके द्वारा किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अमरूद की पत्तियों से आप किन किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी युवा को अधिकतर देखने के लिए मिलता है कि अधिकांश युवकों में नाइटफॉल यानी स्वप्नदोष की शिकायत रहती है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है किसी युवा को तो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है, आपके पेट में हमेशा दर्द या कब्ज मरोड़ बना रहता है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी यूनिटी वीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह डाउन हो चुकी है, बार बार एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाया करता है, तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इन अमरूद की पत्तियों के द्वारा आप अपने शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी किडनी तथा लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, ये इतनी फ़ायदेमंद पत्तियाँ होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस परेशानी में आप इसका किस तरीके से प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जिन युवाओं को स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है, यानी स्वप्न में उनकी धातु का छीड़ होना या निकल जाना, उनके लिए स्वास्थ्य से संबंधित जो होता है, स्वास्थ्य उनका बिगड़ने लगता है या उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। दोस्तों, किसी चीज़ की अधिकता जो होती है वह नुकसानदेह होती है। अगर ये स्वप्न दोष कभी कभार होता है तो आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब इसकी अधिकता होने लगती है तो इसका आपके सेहत के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है, आपका सेहत बिगड़ने लगता है। दोस्तों, यह नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष क्यों होता है, पहले ये जान लीजिए। दोस्तों, देखने के लिए मिलता है अक्सर युवक जो होते हैं वह अश्लीलता के तरफ ज़्यादा झुकाव उनका होता है, अश्लीलता के तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और बहुत सारे अश्लील तस्वीरों को देखते हैं, भावनाओं में विचरते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए, अश्लीलता की तरफ ध्यान न दें और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने दिमाग को पढ़ाई पे लगाएं, अच्छी बातों पे लगाएं, तो ये परेशानी टल सकती है। अगर आपको ये दिक्कत है, अधिकता है, नाइटफॉल की अधिकता है, तो आप क्या करें, ये जो आप कोमल कोमल अमरूद की पत्तियाँ देख रहे हैं, दो से तीन पत्तियाँ आप लें
पीस करके इसका रस निकाल लें। 2 चम्मच कम से कम अमरूद की पत्तियों का रस निकालें और 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर लें या कच्ची सौंफ लेकर पीस लें। पीस करके इसको उस जूस में रस में मिला लें। थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके 1 गिलास छाछ के साथ सुबह में कंटिन्यूअस खाली पेट सेवन करें। दोस्तों, क्या होता है कि ये नाइटफॉल की प्रॉब्लम आपके आंत की गर्मी की वजह से भी होता है कभी कभी। दोस्तों, अगर इसका सेवन आप 1 सप्ताह तक लगातार कर लेते हैं तो इससे आपके आंत की गर्मी समाप्त हो जाएगी और नाइटफॉल की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक टिप्स आपको और बता दे रहा हूँ कि शाम के वक्त जब भी आप सोने जाएं, डिनर करने के बाद जब सोने जाएं, हाथ पैर मुंह को अच्छी तरह से धो कर के ही सोएं और जहां तक हो सके कोशिश करें कि बाएं साइड ही सोएं। बाएं साइड सोएंगे तो आपको ये दिक्कत, ये परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम रहती है तो आप क्या करें, ये जो आप पत्तियाँ देख रहे हैं अमरूद की, इन पत्तियों को छाए में सुखा करके इसका पाउडर बना लें और इसका पाउडर 1 चम्मच कंटिन्यूअस सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे आपका शुगर जो है वो कंट्रोल होगा। अगर आपकी यूनिटी वीक रहती है, आपके लीवर और किडनी अस्वस्थ हैं, दिल की परेशानी है, लीवर की परेशानी है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन पत्तियों अमरूद की पत्तियों का काढ़ा बना करके चाय की मात्रा की तरह से 50 ml से कम मात्रा लेकर के आप कंटिन्यूअस सुबह में सेवन कीजिए इसका काढ़ा, इसकी पत्तियों का। इससे आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा, आपकी यूनिटी स्ट्रांग होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता आपको मिलेगी और आपके किडनी लीवर सभी स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, इतना फ़ायदेमंद होती हैं ये अमरूद की पत्तियाँ। दोस्तों, अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, आपके दांत हिल रहे हैं, तो आप इस अमरूद की टहनी का दातुन कीजिए, आपके दांतों का हिलना बंद हो जाता है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है, दुर्गंध आती है, तो इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाएं, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा 10 बूंद नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिला करके अपने मसूड़ों पर मसाज करें। इससे आपके मुंह की दुर्गंध भी समाप्त होगी और आपके दांत चमकीले भी होंगे। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार के निशान दाग धब्बे हैं तो अमरूद की पत्तियों का पेस्ट बनाकर हल्दी पाउडर मिला के अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपके दाग धब्बे समाप्त होते हैं और आपके चेहरे पर नेचुरल निखार आता है। दोस्तों, बहुत सारे इसके लाभ हैं। आंत से संबंधित प्रॉब्लम होने पर इसकी पत्तियों का ताज़ा जूस पी सकते हैं। अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, पेचिश की प्रॉब्लम रहती है, इसकी पत्तियों का ताज़ा ताज़ा रस निकालें 50 ml और इसमें काला नमक मिला करके सेवन करें कंटिन्यूअस सुबह खाली पेट। इससे आपके पेट की समस्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।